हेलो गाइज, वेलकम टू एंड्रॉयड पी के। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक जबरदस्त ट्रिक। ठीक है, कोई ओल्ड फ़ोन है आपके पास, देख लेना आप, अगर कोई ओल्ड फ़ोन है एंड्रॉयड 4.4 के नीचे का, ठीक है, और एंड्रॉयड 4.4 के नीचे का बोल रहा हूँ मैं, ऊपर का नहीं, उसके ऊपर जो भी वर्जन है उसमें यूट्यूब सपोर्ट करता है, पर एंड्रॉयड 4.4 के नीचे कोई भी मोबाइल में आपको यूट्यूब सपोर्ट नहीं करेगा। आप ओपन करके देख लो भाई, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, इनबिल्ट रहता है, ओपन करके देखना ऐसा आएगा आपके, इसमें ओपन ही नहीं होगा। कैसा आएगा देखा, ऐसा आएगा ओपन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, क्योंकि YouTube ने क्या किया है, Android के सपोर्ट बंद कर दिया है। कब तक? जब तक Android 4 है आपके पास तब तक। Android 4 के ऊपर जब जाओगे, जैसे Android 5 में आ जाओगे आप, तो उसमें आपको YouTube सपोर्ट मिलेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, उसमें अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर Android 4.4 तक के YouTube सपोर्ट नहीं करेगा जब भी आप ओपन करोगे। मुझे पता है काफ़ी लोगों के पास डिवाइस अच्छे अच्छे है अभी, और 10% लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं भाई, मजबूरी, किसी किसी मजबूरी रहती है, वो ओल्ड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं अभी। एक्चुअल में रहती है मजबूरी, आपको नहीं पता है पर रहती है मजबूरी। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक। आपके पापा हो गए, वो काफ़ी लोग फ़ोन यूज़ करते रहते हैं काफ़ी दिनों, तो वो फालतू झंझट नहीं पालते, इसलिए ओल्ड फ़ोन उनके हाथ में बैठा रहता है, इसलिए वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, तो समझ लेना ये बात को, ठीक है। नहीं तो बोलोगे ये कौन यूज़ करता आज तक, ये तो अभी एंड्रॉयड 11 12 आ गया भाई, कौन यूज़ करेगा ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं है, करते हैं यूज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है, तभी आपको समझेगा क्या करना। जो आपको देख रहे हो ना 4.4 एंड्रॉयड, उसमें भी सपोर्ट करेगा यूट्यूब। अब उसके लिए एक ऐप लेना होगा, वो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा भाई, थर्ड पार्टी लेने की जरूरत नहीं है, प्ले स्टोर में मिलेगा, काफ़ी अच्छा ऐप है। इसमें आप बैकग्राउंड में भी यूट्यूब चला सकते हो और ऐसे भी YouTube चला सकते हो, काफ़ी अच्छा ऐप है, इसलिए वीडियो के एंड तक देखते रहना। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते और आपको बताऊंगा, मेरे पास भी एक फ़ोन पड़ा है अभी भी, फ़ोन मतलब टैब है एक, जो 4.4 के नीचे में है और उसमें YouTube नहीं चलता है भाई, YouTube चलता ही नहीं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था अभी, उसमें YouTube नहीं चलता है। तो उसको मैं, उसमें कैसे YouTube चला सकते हो आप, लीगल तरीके से बताऊंगा कैसे YouTube चला सकते हो, तो वीडियो लाइक कर देना तब तक। चलिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, देख सकते हो मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूट्यूब नहीं चलेगा, देख सकते हो यहाँ पे मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरे को दिखाता है, देख सकते हो दिस वर्जन ऑफ यूट्यूब इज़ नॉट आउट ऑफ डेट बोलता है, मतलब ये अपडेट अभी चलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा 4.4 के नीचे है, इसलिए मेरे इसमें यूट्यूब नहीं चलेगा। पर मुझे रन करना है भाई यूट्यूब, तो कैसे चलाऊंगा मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। इसके लिए एक अच्छा ऐप आता है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आपको सिंपली प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे प्ले स्टोर ऐसा दिखता है पुराने फ़ोन में, आपको भी ऐसा दिखेगा। प्ले स्टोर में सर्च मारना है फ्लोटिंग मिनिमाइजर ट्यूब, ये आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको ओपन कर लो, ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे लोड लेगा, कुछ सेकंड का लोड लेगा, जैसे आपका इंटरनेट रहे वह इसके हिसाब से, उसके हिसाब से लोड लेगा। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने कर लिया और ओपन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आराम से मेरा यूट्यूब चल रहा है। इवन आप ये यूट्यूब तो चला ही सकते हो, साथ में इसको जो वीडियो है ना ये भी मिनिमाइज कर सकते हो। ये देखो मैं अभी ये यूट्यूब पर वीडियो प्ले करता हूँ और इसको मैं मिनिमाइज भी करके दिखाऊंगा आपको, आराम से मिनिमाइज हो जाता है भाई, काफ़ी अच्छा ऐप है ये, और यूट्यूब तो चलता ही है और मिनिमाइज भी आप कर सकते हो काफ़ी आसान तरीके से। तो 2-in-1 काम हो गया आपका भाई, यूट्यूब तो यूट्यूब भी चल गया और वीडियो भी मिनिमाइज हो रहे हैं, आप आराम से सॉन्ग भी सुन सकते हो। और ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वीडियो बसते इसमें, इसमें आप सारे वीडियो प्ले कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर वीडियो प्ले कर सकते हो, सारे वीडियो जो आपको बजाना है, जो सॉन्ग बजाना है, सब कुछ आप प्ले कर सकते हो, सभी आप बैकग्राउंड में भी सुन सकते हो और यूट्यूब पे भी सुन सकते हो। काफ़ी अच्छा ऐप है, आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए ये, अगर आपके इसमें नहीं चलता है यूट्यूब तो, और अगर बैकग्राउंड में भी आप चला सकते हो इसमें एंड्रॉयड 11 12 में भी ये बैकग्राउंड में चल जाएगा भाई। एंड्रॉयड 11 12 जो भी वर्जन हो आपके पास, इसमें आप बैकग्राउंड में भी बजा सकते हो यूट्यूब के गाने, ये काफ़ी अच्छा ऐप है, आप यूज़ करो। उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ऐप। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।